मेरे लिए? अंदर मत आओ, अंदर कोई भी नहीं है। अरे नहीं, अरे आइए ना मेकअप दादा। तो गाइस, आज मैं आपको अपने मेकअप दादा से मिलाती हूँ। तो मिलिए मेरे मेकअप दादा से, जो मुझे इतना हॉट बनाते हैं। तुम हमेशा मुझे मेरे सपनों में ही मिलोगी या कभी सच में भी मिलोगी? तो गाइस, अब मैं तुम्हें मिलवाने जा रही हूँ उस इंसान से जो मुझे कैच करता है निकी कैमरे पे। निखिल प्लीज कम 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 जल्दी। तो मिलिए निखिल से, जो है मेरा कैमरामैन। हाय एवरीवन। ये निखिल मेरी क्वीन ऑफ हर्ट्स के साथ काम करता है और मुझे आज तक भी नहीं पता। तो गाइस, तुम्हारी क्वीन ऑफ हर्ट का तुम लोगों को गुड बाय, लव यू ऑल। ओह हाँ हाँ हाँ, याद आया भाई, एक छोटा सा मुझे काम था आपसे। बताओ, बस में हुआ तो जरूर करूंगा। भाई अपने शहर की वो नहीं है मशहूर ब्लॉगर द क्वीन ऑफ हार्ट्स, आप जिसके साथ वीडियो बनाते हो? कौन? जेसिका? वही जी। एक बार बस मेरी इच्छा है कि ना आप उससे मुझे मिलवा दो, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। तुम्हारी ये छोटी सी इच्छा इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जेसिका किसी से मिलती नहीं है, खास करके मेल फैन से तो बिल्कुल नहीं। अब मेल फैन से ऐसा क्या पर्दा कि मिलना नहीं है? प्लीज निखिल भाई ऐसा मत बोलो। देखो, वीडियो बनाना उसका काम है, अब मैं आपको कैसे समझाऊं? भले ही वो पूरे आगरे में फेमस क्यों ना हो, ताजगंज वाले ये नहीं जानते जेसिका द क्वीन ऑफ हर्ट्स उन्हीं के मोहल्ले में रहती है। जेसिका ताजगंज में रहती है? हाँ वही रहती है वो। ठीक है चलो मैं रखता हूँ। ओके, जेसिका ताजगंज में रहती है, अब मुझे उससे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। हाय निखिल। अरे तुम जेसिका, मैं तो अभी तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? हाँ। क्या सोच रहे थे? देखो, ये देखो, ये मेरा एक फ्रेंड है, इसका नाम मिथिलेश है, इसी बिल्डिंग में रहता था। ओके। ये तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है, तुमसे मिलना चाहता है। बेचारा बहुत रिक्वेस्ट कर रहा था, एक बार मिल लो ना इससे। ठीक है मिल लूंगी, और तुम्हारी वजह से इसे भी छेल लूंगी। ओके। This is for you. Surprise. अरे वाह, ये तो मेरा फेवरेट कलर है। ट्राई करके देखो। हाँ ठीक है, मैं अभी ये वॉशरूम में चेंज करके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो निखिल? तुम लड़की हो क्या? तुम यही चेंज कर लो, मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। ठीक है? पक्का? हाँ जल्दी। निखिल, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे बहुत चाहते हो, लेकिन तुम मुझसे कह नहीं पा रहे हो। तुम्हें पता है माँ हर रोज एक नया रिश्ता लेकर आती है, आज मैं माँ से तुम्हारे बारे में बात करूंगी।
अचानक उठ के क्यों आ गए? देखो जेसिका, मैं शादी के बारे में नहीं सोचा है। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं नहीं करना चाहता शादी। तुम मुझे लाइक नहीं करते? ऑफ कोर्स आई लाइक यू, बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें, लेकिन तुम जिस तरह मुझे समझ रही हो वैसा नहीं है। आई मीन प्लीज समझने की कोशिश करो प्लीज। आई एम रियली सॉरी। मैं मैरिज टाइप नहीं हूँ, फॉल्स कमिटमेंट भी नहीं रखना चाहता तुम्हें। मैं नहीं कर सकता शादी, रियली सॉरी। हाथ छोड़ो मेरा निखिल। जिसका मेरी बात सुनो। जिसका मेरी बात तो सुनो, एक बार तो सुन। जेसिका लो, तुम्हारी दुल्हनिया आ गई। संस्कारी बहू चाहिए थी मिथिलेश के माँ बाप को। आज वो जिंदा होते ना तो इसे देख के बहुत खुश हो जाते। आप हो ना, माँ से भी तो माँ की तरह होती है। अरे वही तो, इसलिए तो हम रिश्ता लेके आए हैं। पंडित जी ने बहुत रिश्ते लगाए लेकिन इसने एक को भी हामी नहीं भरी। लेकिन इसके गुणगान सुनते ही जेसिका के इसकी फोटो देख के तुरंत हाँ कह दिया। हमारी तरफ से पूरी तरह हाँ है, बस मैं जल्द से जल्द चाहती हूँ कि आप तारीख तय कर लें। अपने पास जब कोई चीज होती है ना तो लोग उसकी कद्र नहीं करते हैं। जिस दिन मैं तुम्हारी जिंदगी से जाऊंगी ना उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि तुम मेरे बिना जी नहीं सकते, और तुम्हें ये एहसास कराना बहुत जरूरी है कि जेसिका अब तुम्हारे हाथ से जा रही है। हाँ निखिल। हेलो जेसिका, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यार? आंटी बता रही थी कि तुम मिथिलेश से शादी करने के लिए राजी हो गई हो। हाँ निखिल, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? इतना अच्छा लड़का है, इंजीनियर भी है, और तो और शादी के बाद मुझे काम भी करने देगा, और सबसे अच्छी बात वो तुम्हारा दोस्त है। ए, वो मेरी बिल्डिंग में कुछ दिन के लिए रहने आया था, उतनी ही जान पहचान है। अच्छा बाबा, ओके ओके, सुनो कल वीडियो की तैयारी हो गई? हाँ सारी तैयारी हो गई। अच्छा ठीक है निखिल, तो कल हम मिलते हैं। ओके बाय। अभी तो तुम्हें और झटके देने बाकी है निखिल। देखती हो तुम अपने प्यार का इजहार कब तक नहीं करोगे मुझसे। अरे अकेले वीडियो शूट करने वाली हो क्या? किसी को बुलाया नहीं? अभी पहले इंट्रोडक्शन दे देते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, टेक करते हैं। 1, 2, 3 and go। तो guys, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत खास ही वीडियो लाने वाली हूँ, क्योंकि आज मैं अपने इन हाथों से गर्मा गर्म मोहब्बत वाली रेशमी रोटियां बनाने वाली हूँ, और इन रोटियों को बनाने में मेरा साथ देने वाले हैं। हाय जेसिका। हाय मिथिलेश, प्लीज कम। तो guys, ये है मिथिलेश। मैं तो डरी गई थी कि तुम आओगे या नहीं। अगर तुम बुलाओगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगा, जरूर आऊंगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं आऊंगा। Oh, so तो गाइस, मोहब्बत वाली रेशमी रोटियां बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा गुनगुना दूध। और दो मोहब्बत भरे हाथ। आइए मिथिलेश,
मिथिलेश एक सेकंड, मैं भी आई। निखिल, तुम यहाँ आकर गाना सुन रहे हो और मुझे लगा कि तुम नाराज होकर चले गए। अरे मैं क्यों नाराज होऊंगा, तुम दोनों इतना इंडल्ज हो रहे थे तो मैंने सोचा कि तुम दोनों को प्राइवेसी दे दूं, इसलिए मैं बाहर आ गया। ये तुम जानबूझकर कर रहे हो ना, ताकि मैं उसके साथ वक्त गुजार सकूं, है ना? हाँ, मंगेतर है तुम्हारा, मैं कब में हड्डी क्यों बनूं? हद करती है। जसिका, अगर आप लोगों की वीडियो शूट होगी तो मैं चलूं? हाँ मिथिलेश, थैंक्स फॉर कमिंग। वेलकम। वो मैं मासी पूछ रही थी कि आप लोगों ने शादी की डेट फिक्स कर ली क्या? जैसा तुम्हें ठीक लगे मिथिलेश। ठीक है, फिर मैं मासी को बता देता हूँ। जी। बाय। बाय। बाय निखिल। तुमने क्यों कहा कि शूट पूरी हो गई? अभी तो वीडियो आधा अधूरा रह गया ना। अधूरा तो अभी बहुत कुछ रह गया है निखिल, जो अब कभी पूरा नहीं होगा। मुझे नहीं पता था कि ऊपर वाला मुझ पे इतना मेहरबान होगा, पर अब मुझे यकीन हो गया है कि मैंने जो भी किया है ना, लोग मुझे यूं ही बदनाम करते हैं। बदनाम? आपने कुछ किया है क्या? यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी लोग ऐसा कहते हैं। छोड़ो ये सब बातें, आज ना मोहब्बत की रात है, चलो। मोहब्बत करते? रुको ना, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं ना, अच्छा लग रहा है। वैसे जैसे तुम वीडियो बनाती हो ना, वैसी हो नहीं तुम। मतलब जैसा सोचा था ना वैसा नहीं पाया, मतलब वीडियो में तुम एकदम अलग लगती हो और यहाँ पे एकदम अलग। तो आपने मेरी इंक्वायरी की थी, है ना? हाँ, इंक्वायरी निकाली तो थी थोड़ी बहुत। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी इंक्वायरी में खरी नहीं उतरती तो तुम क्या करते, मुझे छोड़ देते? नहीं, छोड़ता तो नहीं, मगर बीवी का दर्जा नहीं दे पाता। अब मुझे आपसे डर लगने लगा है। यही बात अगर दूसरे लोग बोलते ना तो बहुत अच्छा लगता, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुन के ना बहुत बुरा लगा मुझे। तुम सिर्फ प्यार करो मुझसे, सिर्फ प्यार। मुझे पता चल गया कि जैसे तुम वीडियो बनाती हो ना वैसे तुम हो ही नहीं। मैं समझी नहीं। समझी नहीं? एक बात बताओ, क्या तुम्हारी लाइफ में मैं पहला आदमी हूँ या फिर इससे पहले भी ये सब कर चुकी हो? आप पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो आप? कैसी बातें कर रहा हूँ? सीधी बातें कर रहा हूँ, सीधा जवाब दो। मैं तुम्हारी लाइफ में पहली औरत हूँ क्या? सवाल पे सवाल नहीं किया जाता, सवाल का जवाब दिया जाता। ऐसे सवालों का ऐसा ही जवाब होता है। मैं मर्द हूँ और इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मेरे संबंध एक से हो या फिर 10 से। फर्क पड़ता है, क्योंकि उन 10 लड़कियों में से मुझ जैसी भी कोई एक होती है। मैं समझ गया, यानी कि मैं तुम्हारी लाइफ में पहला मर्द नहीं हूँ। आप पागल हो गए हो क्या? आज के टाइम पे ऐसी बातें कौन करता है? जो पूछना हो ना उसका सीधा सीधा जवाब दे। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। डाइवोर्स चाहिए तुझे? हाँ डाइवोर्स चाहिए। मैंने कहा था ना कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता, और मुझसे दूर जाने की तो सोचना भी मत। बहुत खतरनाक आदमी हूँ मैं, मैंने अपने बाप को इन्हीं हाथों से मारा था, तो तू और तेरी माँ का क्या हाल होगा ना, तुमने सोचा भी नहीं होगा।
अरे बेटा ये लो कॉफी। थैंक यू आंटी। निखिल बेटा कहाँ थे इतने दिन तुम? बड़े दिनों बाद नजर आ रहे हो। जैसिका की शादी क्या हुई? तुम तो यहाँ का रास्ता ही भूल गए। हाँ आंटी जी मैं तो फिर भी आ गया। जैसिका तो खबर भी नहीं लेती। शादी हुए काफी टाइम हो गया। वो वीडियो बनाना कब शुरू करेगी कुछ पता? वो क्या है कि मेरी खुद ही उससे बहुत कम बात होती है। वो कह रही थी कि शायद वो अब काम नहीं करेगी। मुझे ऐसा लगता है उसका काम करना मिथिलेश को पसंद नहीं है। सॉरी आने में देर होगी। आ जाऊंगा। समोसे लाया हूं तुम्हारे लिए। और ये लो तुम्हारी माँ ना बहुत फोन कर रही है। बात कर लो उससे। समझ गया। पूरे दिन भर से बाहर था ना। मिस कर रही थी ना मुझे। आ जाओ तुम्हारी सारी शिकायत दूर करता हूं। छोड़ो मुझे। मुझे छूने की कोशिश भी मत करना। अच्छा तुझे हाथ नहीं लगाऊं तो किसे हाथ लगाऊं? पहले तो तू मेरे सपनों में आके कर्तव्य दिखाती थी और अब जब मैंने तुझसे शादी कर ली तो कह रही है मेरे पास मत आओ। हाँ छोड़ो मुझे। ये ले ठीक वैसे ही तैयार हो जा जैसे तुम कैमरे के सामने तैयार होती हो। जैसी का द क्वीन ऑफ हार्ट्स। दो कोड़ी की नचनिया। मैं तुझसे प्यार से बात कर रहा हूँ और तू मुझे तेवर दिखा रही है। हैं? रुक। छोड़ू तुझे। क्या कर रही है? सोन तेरी माँ का फोन आ रहा। उठा और उसको बोल यहाँ पे रोज रोज फोन ना करे। चल उठा बात कर। हेलो माँ। जैसिका तू भी हद करती है। हाँ कभी अपनी माँ को भी याद कर लिया कर। हाँ माँ वो बहुत सारे काम में बिजी रहती हूँ ना तो इसीलिए मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता। माँ ठीक है बेटा ये बता तू कैसी है और मिथिलेश कैसा है? उसका कामकाज कैसे चल रहा है? ठीक है माँ। अच्छा माँ मैं बाद में बात करती हूँ। थोड़ा सा काम है मैं उसे निपटा लेती हूँ। निखिल भी शिकायत कर रहा था कभी उसे भी फोन कर लिया कर। जी माँ। ए फोन इधर रख। और सुन मस्त चिकन बना तेरी माँ के जैसा एकदम स्वादिष्ट और तीखा बिल्कुल तेरे जैसा। चल निकल। और रोटियों पे घी लगाना मत भूलियो। मेरी मुर्गी सोने के अंडे देने वाली है। तुझे मुट्ठी में करने के लिए ना तेरी अकड़ तोड़नी बहुत जरूरी है वरना तुझे उड़ते वक्त नहीं लगे।
पुलिस स्टेशन? मैं फतेहाबाद ब्लॉक नंबर 13 से बात कर रही हूँ। जी सर, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए, मेरे पति ने मुझे कैद करके रखा है सर। उन्होंने अंदर से ताला डाल के मुझे बंद कर रखा है और मेरा मोबाइल भी अपने पास रखते हैं सर। प्लीज मेरी मदद कीजिए सर, प्लीज आप जल्दी आ जाइए सर यहाँ। जी, जी सर। पुलिस को कंप्लेंट करके ना बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। अब तू देख। बख्तावर माता की सेवा करने का समय आ गया है। भाभी बेताब हो रही है आवाज सुनने के लिए। क्या करने जा रहे हो तुम मेरी माँ के साथ? क्या करने जा रहे हो? आई एम सॉरी बेबी, मैं तेरी माँ के आखिरी वक्त में ना तुझे तेरी माँ से नहीं मिला पाया, लेकिन हाँ तेरी तड़पती हुई माँ की चीखें तुझे जरूर सुनाऊंगा। हेलो माँ, माँ, माँ तुम ठीक हो ना? माँ, माँ, जैसे बेटे मुझे बचा ले। ये लोग कौन है? माँ मैं तुम्हें सुन रही हूँ माँ। माँ कुछ बोलो ना माँ। अपने आदियों को बोलो ना मिथिलेश कि मेरी माँ से दूर हट जाए। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ मिथिलेश। तेरे आंसू देख के ना दिल पिघल जाता है मेरा। चल ठीक है, ये जो तूने बखेड़ा खड़ा किया ना, अब इसको तू ही संभाल। मैं तो जा रहा हूँ सोने। और अगर ज्यादा होशियारी की ना तूने तो वहां तेरी माँ गई। मैडम आपके घर से फोन आया था, आपके हस्बैंड कहाँ है? जी वो अंदर सो रहे हैं। जैसिका, क्या हुआ जानू? इंस्पेक्टर साहब क्या हुआ, सब ठीक है ना? आपकी हमें कंप्लेन मिली है कि आपने अपनी बीवी को बहुत टॉर्चर करते हैं और आपने उन्हें घर में कैद करके रखा है। अरे इंस्पेक्टर साहब कैसी बात कर रहे हो आप? हम दोनों को देख के लगता है कि हम कभी लड़ते भी होंगे। किसने फोन किया आपको? जी वो इनका कहने का मतलब है कि मैंने ही कॉल किया था। तो तुमने किया होगा ना, अगर अपने घर से फोन आया तो। मैंने तो किया नहीं है। एक काम करो इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे ले चलो। इसने कल मेरे सारे दोस्तों को फोन करके घर पे बोला कि घर में पार्टी है। जब मेरे सारे दोस्त आ गए तो कहने लगी मैंने तो फोन ही नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब आप एक बात सोचिए, फोन इसके पास है, सारे घर के दरवाजे ताले सब खुले हुए हैं और इसने आपको फोन किया ना। ये आपको फोन करने की बजाय घर से भाग भी तो सकती थी ना। मैं तो सो रहा था ना, कौन देख रहा था? इंस्पेक्टर साहब मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसिका का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। अगर ऐसा है तो आप अपनी बीवी को अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, कहीं ऐसा ना हो कि ये बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाए। चलो। मिथिलेश अब तुम मेरी माँ को छोड़ दो। छोड़ दिया? तुम एक काम करो, अपनी माँ की फिक्र मत करो, मेरी फिक्र करो। सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। ए, जा कबाड़ में से दारू की बोतल निकाल के ला। दारू अब नहीं है, खत्म हो चुकी है। जब खत्म हो रही थी तो ऑर्डर नहीं कर सकती थी क्या तू? कहाँ से ऑर्डर करूँ मैं, मेरे अकाउंट में अब एक रुपया भी नहीं है। अच्छा, इसलिए मैंने तुझसे शादी की थी क्या?
जब अपनी माँ के वहां थी तो बराबर तेरा अकाउंट फुल रहता था, अब यहाँ आ गई तो तेरा अकाउंट खाली हो गया। पहले मैं काम करती थी, अब नहीं करती हूँ मैं काम। तो जानू तुझे मना किसने किया है? बेबी काम करना, तुझे शर्म नहीं आती क्या? तू इतनी बड़ी क्वीन बनी फिरती है और तू अपने पति का दारू का खर्चा नहीं उठा सकती? बेबी जा और पैसे लाना शुरू कर, जा। मुझे शर्म नहीं आती मुझसे ये कहते हुए, मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊंगी। अच्छा, ज़बान चल रही है बहुत तेरी है। वीडियो नहीं बनाएगी, वीडियो नहीं बनाएगी। तू कह तेरी माँ भी वीडियो बनाएगी, चल। छोड़ा मुझे, मुझे। नहीं बनाएगी ना वीडियो, रुक। नहीं मितने। वीडियो नहीं बनाएगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी मितने। मुझे मत मारो मितने, मुझे मत मारो। ना बात। प्यार आता है सच्ची। जैस, काफी टाइम बाद तुम्हारा ये वीडियो लाइव आ रहा है, देखना ये वीडियो तहलका मचा देगा पूरे शहर में, तहलका। ऐसे तुम करने क्या वाली हो? पता नहीं। तुम रेडी हो? चलो फिर करते हैं। रेडी? 1, 2, 3 एंड गो। तरसते थे जो लोग हमसे मिलने के लिए कभी, न जाने क्यों आज वो लोग मेरे साए से भी कतराते हैं। हम भी वही हैं, दिल भी वही है, न जाने लोग क्यों बदल जाते हैं। जैस, तुम क्यों रो रही हो? Are you okay? निखिल कुछ भी ठीक नहीं है, मिथिलेश आदमी नहीं, दरिंदा है वो, दरिंदा, वो एक क्रिमिनल है निखिल। शादी के पहली रात ही उसने अपना असली रंग दिखा दिया था निखिल। जो पूछना हो ना उसका सीधा सीधा जवाब दे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है कि ना जैसिका का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, वीडियो नहीं बनाएगी। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी मिथिले। ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैं उसको तुम्हारा पता नहीं बताता तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम रियली सॉरी। जेसिका, कमाल हो गया, तुम्हारा वीडियो वायरल हो गया, सारे फैन गुस्से में हैं कि तुम शादी के बाद खुश नहीं हो, मिथिलेश को सब गालियां दे रहे हैं, तुम्हारे सपोर्ट में लाखों मैसेजेज आ रहे हैं। तुमने मोबाइल चेक किया कि नहीं? अब मोबाइल देखने की आदत ही नहीं रही निखिल। पूरी दुनिया में मेरी बदनामी करके अपने आशिक से बात कर रही है ना? वो एक कैमरामैन। अपना स्टूडियो खोल और जेसिका का एक और वीडियो बनेगा मेरे साथ। आ रहे हम दोनों, चल। ए, जल्दी कर, तू टाइम नहीं अपने पास, समझा ना? और तू वैसे तो बहुत सवरती है ना, मेकअप लगाती है, अब क्या हुआ, कोई मर गया क्या? ये मातम जैसी शक्ल लेके खड़ी है यहाँ पर, अपने फैंस को बता कि तू कितनी खुश है मुझसे शादी करके, जो तूने मेरी बेइज्जती करी है ना पूरी दुनिया में, ठीक कर। ए, रेडी हुआ नहीं हुआ? हाँ हाँ हो गया, चालू कर। बाबू हंसो, जैसे वीडियोस में हंसती वैसे हंसो, मैं कोई ना फर्ट, शूट कर, एक्शन। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है, मेरे पति मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आई एम सो लकी कि मुझे मिथिलेश जैसा हस्बैंड मिला। लेकिन हाँ, मेरे पति के बारे में ना कोई भी गलत फहमी लेने की जरूरत नहीं है आपको, वो मेरी जान है।
बहुत होशियार है वो आदमी, अपने साथ वीडियो बनवा के सारा खेल पलट दिया उसने। निखिल, मेरे पास बस एक ही रास्ता है, हम दोनों यहाँ से भाग चलते हैं। निखिल नहीं जेसिका, ये क्या कह रही हो, हम नहीं भाग सकते। हम जहाँ भी जाएंगे वो हमें ढूंढ निकालेगा। जब वो हमारी बिल्डिंग में रहता था तब एक चोरी हुई थी, 2 दिन के अंदर वो चोर का पता निकाल दिया था। जानती हो कैसे? क्योंकि वो इसी लाइन से है। अब जो भी होने के, मुझे इस दलदल से बाहर निकलना है। नहीं जेसिका, मैं ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता जिससे हमारी जान को खतरा। और ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था, मैंने तो कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। अब मैं जेसिका, मैं जेसिका, आप सबकी क्वीन ऑफ हार्ट्स, आज मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। हाँ, जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, मेरा अपना दोस्त निखिल है। आप सबकी क्वीन ऑफ हार्ट्स, आज मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। हाँ, जो कुछ भी मेरी जिंदगी में हो रहा है उसका जिम्मेदार और कोई नहीं, मेरा अपना दोस्त निखिल है। हाँ निखिल। जेसिका, तुम ये सब क्यों कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? क्या जरूरत है ये सब करने की? तो शुक्र मनाओ कि जहर नकली था, अगर असली होता तो तुम सोच लो कि तुम्हारा क्या हाल होता। क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्यों कर रही हो ये सब? मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रही हूँ? बल्कि मुझे तुमसे पूछना चाहिए निखिल कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कमिटमेंट में तुम रह नहीं सकते, शादी तुम मुझसे कर नहीं सकते, तो फिर क्या कर सकते हो तुम निखिल? तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो, मेरे साथ सब कुछ करने को राजी हो, पर मुझसे शादी करने को राजी नहीं हो। पूछ सकती हो क्यों? देखो, मैं मानता हूँ कि ये सब बातें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, पर मगर अभी तुम्हारी शादी हो चुकी है। मैं ऐसी शादी को नहीं मानती निखिल। तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो या फिर मैं जहर खा लूं? अच्छा ठीक है, बताओ कब जाना है? आज रात। तुमने अपना सारा सामान ले लिया ना निखिल? हाँ, मैंने सारा सामान ले लिया, लेकिन जाना कहाँ है? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मिथिलेश के फरिश्ते भी हम तक नहीं पहुँच सकते। अभी तुम चलो यहाँ से निखिल। बैठो, बैठो, ध्यान से चलो। चाय ले क्या? जेसिका, चाय ले क्या? कहाँ मर गई? इसके कपड़े भी गायब हैं। निखिल का पता करता हूं। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम दोनों को, पाताल लोक से निकाल के मारूंगा। पता है निखिल, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे एक नई जिंदगी मिल गई है। मैं बहुत खुश हूँ, तुम खुश नहीं हो? खुशी से ज्यादा मुझे चिंता हो रही है। हम लोग यहाँ तो आ गए, लेकिन करेंगे क्या? वही जो हमेशा करते आए हैं। क्या?
अपने वीडियोस बनाएंगे और उन्हें लोड करेंगे और उन्हें सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि बिना मेकअप ना मुझे कोई भी नहीं पहचानता। और ये सबसे अच्छी बात है, हम एक नया मोबाइल ले लेंगे और एक नई सिम ले लेंगे। मिथिलेश तो क्या, उसके फरिश्ते भी यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। अब तो मुस्कुरा दो। पता है निखिल, मैं अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा जीना चाहती हूँ। मैं सब कुछ भूल कर तुम में खो जाना चाहती हूँ। निखिल तुम भी कुछ बोलकर रिलैक्स हो जाओ ना। अब शुरू होगा तेरा बुरा सपना। अब देख मैं क्या करता हूं। माँ तू ठीक तो है ना? माँ मेरे छोड़, तू अपने बता, तू कैसी है? तू ठीक तो है ना मिथिलेश? उसका नाम मत लो माँ, वो एक नंबर का झूठा इंसान है। उसने झूठ कहा था कि वो इंजीनियर है। वो बहुत बड़ा फ्रॉड निकला माँ, वो क्रिमिनल है। अगर मैं उसके चुंगल में थोड़े दिन और रहती ना माँ, तो आपकी बेटी जिंदा नहीं बचती आज। बेटी तो है कहाँ? हाँ माँ, मैंने तुम्हें यही बताने के लिए कॉल किया है। तुम भी जल्दी से मेरे पास आ जाओ माँ, वरना वो दरिंदा तुम्हें भी परेशान करेगा। यहाँ रेलवे के पास मैंने एक रूम लिया है माँ, तुम बस वहीं आ जाओ। बी ब्लॉक 206 में कमरा लिया है माँ। और माँ होशियारी से आना, वरना वो कमीना इंसान तुम्हें नहीं छोड़ेगा माँ। मिथिलेश को तो पता चल गया, पर अब तू नहीं बचेगी मेरी प्यारी क्वीन ऑफ हर्ट्स। नहीं नहीं दामा जी, नहीं, मेरी बेटी को माफ कर दो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, उसे कुछ मत करना। अरे सासू माँ, मैं उसको जान से थोड़ी मारूंगा। अरे मेरे लिए तो वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। और वो जो उसका दोस्त है ना कैमरामैन, उसका आशिक, उसके छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिलाने हैं। काम करो मेरे लिए ना, बढ़िया सा मुर्गा बना दो, बड़ा स्वादिष्ट बनाती हो। जाओ ना, जाओ। अरे घूर कर रही हो सासू माँ, रोटी लाओ ना गर्मा गर्म, ये चिकन का चस्का लगा के रोटी खत्म हो गई। जाओ, अरे जाओ। माँ, हेलो, हेलो माँ। तुम दोनों माँ बेटी ना एक जैसी हो, छोड़ूंगा नहीं मैं तेरी बेटी को। आ रहा हूं मैं जैसिका, अब तेरी बारी है। निखिल लगता है मिथिलेश को हमारे बारे में पता चल गया है। क्या? जब मैंने माँ को फोन किया था ना, शायद वो वहीं बैठा था। अगर ऐसा है तो वो यहाँ आता ही होगा, हम लोग यहाँ और नहीं रुक सकते। चलो यहाँ से। हाँ निखिल, हम जहाँ भी जाएंगे वो हमारा पता लगा ही लेगा। ये टाइम बात करने का नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। चलो। नहीं निखिल, मैं नहीं जाऊंगी, तुम चले जाओ। यार तुम्हारा दिमाग ठीक तो है ना, वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा, चलो आ जाओ। लेकिन निखिल, निखिल मैं जानती हूँ वो मुझे नहीं मारेगा, क्योंकि उसे मेरी कमाई खानी है। लेकिन हाँ, अगर उसने तुम्हें ऐसे यहाँ देखा ना, तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा निखिल, तुम्हें मेरी कसम। निखिल
तुम यहाँ से चले जाओ निखिल, प्लीज मेरे लिए। जेसिका तुम फिर से एक बार सोच लो प्लीज। सोच लिया निखिल, क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। निखिल तुम चले जाओ यहां से मेरे लिए। निखिल हो सके तो मुझे माफ कर देना, अब जाओ, वो आता ही होगा। तुझे बाजारू औरत ना बाजारू ही होती है, उसे चाहे कोई कितनी इज्जत क्यों ना दे पर उसे इज्जत ना रास नहीं आती है। क्या नहीं किया मैंने तेरे लिए है? तुझे तेरा फोन दिया, तुझे आने जाने की छूट दी, और तूने मुझे क्या दिया पता है? धोखा। तो तुमने क्या किया मेरे साथ? तुमने जानवरों जैसा बदतर व्यवहार किया मेरे साथ। अच्छा अगर मैं ये सब नहीं करता ना तो तू अपने आशिक के साथ फरार हो जाती पहले ही। बकवास मत करो मिथिलेश, अगर मेरा निखिल के साथ कोई भी चक्कर होता तो मैं उससे शादी करती, ना कि तुमसे। भगाबाज औरत। देख एक मौका दे रहा हूं मैं तेरे को, मेरे पैरों में गिर के माफी मांग, बख्श दूंगा, नहीं मारूंगा तुझे। मेरे टुकड़ों पर पड़ने वाले नीच आदमी, मैं तेरी बख्शी हुई जिंदगी पर थूकती हूं। जेसिका, जेस, आगे खोलो, ये तूने क्या किया? जेस, आगे खोलो, जेस, जेसिका, जेसिका।